दोस्तों आपने अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बगल वाले घंटे को भी दबा दें, क्योंकि हम लाते रहते हैं नए नए बिजनेस आइडियाज और नई नई जानकारी केवल आपके लिए। स्लीपर एक आरामदायक चप्पल है जिसका प्रयोग लोग घर के अंदर करते हैं। हालांकि कुछ स्लीपर ऐसे भी होते हैं जिन्हें पहनकर घर से बाहर भी जाया जा सकता है। बाजार में विभिन्न तरह के स्लीपर बिकते हैं। कई छोटी बड़ी कंपनियां इसे बनाकर काफी ज्यादा लाभ कमाती हैं। अगर आप चाहें तो आप भी इसका व्यापार करके अच्छा खासा लाभ कमा सकते हैं। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चप्पल बनाने का व्यापार कैसे शुरू करें। सब्सक्राइब करिए बिजनेस आइडियाज चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। चप्पल बनाने के लिए आवश्यक कच्चा माल। कच्चे माल में आपको जरूरत पड़ती है हवाई रबर शीट्स की, जिसकी कीमत है 350 रूपए प्रति शीट, स्टेप शीट की जिसकी कीमत है 4 रूपए प्रति मीटर, एवं पैकेजिंग के लिए आवश्यक सामान जो आपको 15 से 40 रूपए प्रति इकाई के भाव मिल जाएगा। चप्पल बनाने के लिए कच्चा माल कहाँ से खरीदें? ऑनलाइन वेबसाइट का लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। चप्पल बनाने की मशीन। इसके लिए आपको हैंड ऑपरेटेड सोल कटिंग मशीन की जरूरत होती है, होल मेकिंग मशीन की जरूरत होती है, फिनिशिंग ग्राइंडिंग मशीन और विभिन्न रंगों और साइज के लिए डाई कटिंग मशीन और अंत में हैंड ऑपरेटेड टूल।
चलिए अब मैं आपको स्लीपर बनाने की विधि बताती हूँ। यदि मशीन उच्च कोटि की हो तो कटिंग के दौरान ही चप्पल में फीते के स्थान पर सुराख हो जाता है। कटिंग के बाद इसे ग्राइंडिंग मशीन की सहायता से स्लीपर के चारों तरफ के खुरदरे भाग को प्लेन किया जाता है। चप्पल की कटिंग हो जाने के बाद इसे प्रिंट करने की आवश्यकता होती है। इसमें काफी कम खर्च आता है। एक बार चप्पल प्रिंट हो जाने के बाद कुछ देर के लिए सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है। इसके सूख जाने पर ड्रिलिंग मशीन की सहायता से आवश्यक स्थानों पर किए गए सुराख को बड़ा किया जाता है। इसके बाद स्ट्रैप डालने की मशीन की सहायता से इसमें फीते डाले जाते हैं और अंत में आपकी स्लीपर तैयार करके बाजार में बिकने लायक हो जाती है। चप्पल बनाने के व्यापार के लिए लाइसेंस जो बहुत जरूरी है। यदि आप ये व्यापार छोटे पैमाने पर आरंभ कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले उद्योग आधार अथवा भारत सरकार के MSME के अंतर्गत अपने व्यापार को रजिस्टर कराना होगा। इसके अलावा आपको अपने ब्रांड का पंजीकरण ISI के अंतर्गत दाखिल कराना होता है। व्यापार को सुचारू रूप से चलाने के लिए आपको ट्रेड लाइसेंस, फर्म का करंट बैंक अकाउंट, पैन कार्ड आदि भी तैयार कराने की आवश्यकता होती है। चप्पल के लिए पैकेजिंग, आप इसकी पैकेजिंग के लिए कार्टून्स का प्रयोग कर सकते हैं। अपने द्वारा बनाए गए स्लीपर के आकार के अनुसार आपको कार्टून्स प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। आप अपने चप्पल के पैकेट्स को आकर्षक बनाने के लिए इस पर विभिन्न तरह के रंगीले स्टिकर लगा सकते हैं। इसके अलावा आप अपने ब्रांड का स्टिकर कार्टून पर चिपकाकर पैकेजिंग कर सकते हैं। चप्पल बनाने के व्यापार के लिए मार्केटिंग, आप अपने स्लीपर की मार्केटिंग शहर के सभी बड़े छोटे चप्पल जूतों की दुकान में कर सकते हैं। आप अपने स्लीपर को विभिन्न बड़े शॉपिंग मॉल तक भी पहुंचाकर बेहद आसानी से अपना व्यापार बढ़ा सकते हैं। साथ ही अपने चप्पल का प्रचार आप रेडियो, अखबार, होर्डिंग, पोस्टर आदि के माध्यम से भी कर सकते हैं। चप्पल का व्यापार स्थापित करने के लिए आवश्यक स्थान, इस व्यापार की शुरुआत हेतु आपको थोड़े अधिक स्थान की आवश्यकता होती है। चूंकि इस व्यापार को चलाने के लिए विभिन्न तरह की मशीन कार्य में लगाई जाती है, अतः इसके लिए आपको न्यूनतम 300 वर्ग मीटर स्थान की जरूरत पड़ती है। चप्पल का व्यापार स्थापित करने की कुल लागत, छोटे पैमाने पर इस व्यापार को स्थापित करने हेतु कम से कम 1,00,000 रुपए की राशि की आवश्यकता होती है। बड़े पैमाने पर यदि आप इस व्यापार को करना चाहते हैं तो आपको 5 से 6 लाख धन राशि जुटानी पड़ सकती है। चप्पल बनाने के व्यापार से लाभ, आमतौर पर एक स्लीपर बनाने की कुल लागत 30 से 40 रुपए की होती है। ये स्लीपर बाजार में कुल 90 से 100 रुपए के मूल्य पर बिकता है। यदि आप प्रतिदिन 12 घंटे तक इस मशीन की सहायता से स्लीपर बनाते हैं तो दिन भर में छोटे स्तर पर 100 दर्जन और बड़े स्तर पर 250 दर्जन अर्थात 3500 से 4000 स्लीपर बनाए जा सकते हैं। अतः छोटे स्तर पर इस व्यापार की सहायता से लगभग 10,000 प्रति महीने और बड़े स्तर पर करीब 30,000 से 40,000 रुपए कमाए जा सकते हैं। चप्पल बनाते समय सावधानियां, इस व्यापार में सबसे पहली सावधानी क्वालिटी से संबंधित होनी चाहिए। बाजार में रबर शीट कम कीमत पर भी उपलब्ध है जिनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती। इनकी सहायता से चप्पल बनाने पर आपकी चप्पल की अच्छी मार्केटिंग नहीं हो पाएगी। रबर शीट से स्लीपर काटते समय इस बात का ध्यान रखना की आवश्यकता होती है कि स्लीपर बेहतर आकार में कट रहे हों। इसके अलावा आप उस स्थान पर बिजली की सुरक्षित व्यवस्था कराएं जहां पर आपको स्लीपर बनानी हो। दोस्तों, अगर आपको कुछ भी पूछना हो इस वीडियो के बारे में आप हमारे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम आपकी मदद करने के लिए हमेशा ही तैयार हैं। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल बिजनेस आइडियाज को सब्सक्राइब करना ना भूलें।